तो गाइज अब अंदर एंटर करते हैं और इधर आपको पता है यहाँ पे वेलकम के लिए होता है, मतलब आज तो वैसे पार्टी है, वैसे बारात के लिए वेलकम के लिए होता है। एंड हमारे हेलो गाइज, बस बढ़िया, चलते हैं अभी अंदर चलते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एंड गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग हो रही है। आज का व्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ शाम से। आज एक स्पेशल दिन है। स्पेशल दिन क्या है, मतलब वैसे तो एवरी डे इज स्पेशल डे, बट आज ना जो हमने दीदी के लिए होटल करा था 9 स्टार होटल, वहाँ से कॉल आया था कि सर एक इन्विटेशन पार्टी है। जिसने अभी तक हमारा जो बैंकेट हॉल है, जो 9 स्टार होटल है, बुक करा है ना पार्टी के लिए, शादी सगाई के लिए, मतलब इस साल में 2024 अप्रैल के बाद से जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, तो उनको वो पार्टी दे रहे हैं। तो आज हमें भी बुलाया, विद फैमिली हमें जाना था, लेकिन मम्मी पापा जी तो बुआ जी के यहाँ पर हैं, कि वहाँ पर भैया की रस्म वगैरह वो सब चल रही हैं और हम सब घर पे थे। तो आज मैं, दीदी भी आ रखी हैं यहीं पे, तो मैं, दीदी, मोक्ष चल रहे हैं वहीं 9 स्टार होटल। तो भाई ऐसी अच्छी पार्टी क्यों मिस करें हम, है ना। तो खाना भी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो मैंने कहा, मैंने वैसे दीदी मना कर दी, मैंने कहा चल रहे बहन, खाना इतना अच्छा है, खा के आते हैं ना, क्या दिक्कत है। और मेन देखो, कहीं भी किसी पार्टी में अगर आदमी जाता है तो क्यों जाता है, फूड के लिए। फूड अच्छा होता है तो सब कुछ बढ़िया है, फूड और डेकोरेशन, और उसकी फूड और डेकोरेशन है ही वाकई में बहुत बढ़िया। तो दीदी भी तैयार हो रही है, मोक्ष भी तैयार हो गया, मैं भी तैयार हो चुका हूँ। मैं सिंपल एक स्वेटर पहन के जा रहा हूँ, लेकिन इस सिंपल स्वेटर में मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ अपने आप को, आपको पता नहीं अच्छा लग रहा हूँ नहीं लग रहा। तो बस रेडी हो चुका हूँ, चलते हैं और देखते हैं मोक्ष ने क्या पहना और दीदी ने क्या पहना। वैसे ये मतलब देख तो लिया मैंने इन्होंने क्या पहना, पर फोटोशूट करवा रहे हैं ड्राइंग रूम में, तो देखते हैं, चलते हैं, हम भी थोड़ा सा फोटोशूट करवा लेंगे। तो चलते हैं और थोड़ा सा फोटोशूट हम भी करवा लेते हैं। ओहो बहन, मैं भी हूँ सेल्फी में, तो यार मुझे क्यों भूल जाते हो तुम लोग। अब ठीक है, मोक्ष करो, ढक दिया। तो गाइज एक सेल्फी हम भी अपने फोन में ले लेते हैं ऐसे। मोक्ष खड़ा हो। तो अब तीनों रेडी हो चुके हैं, कैब होगी बुक, कैब आ गई, कैब आ गई, चलो तो चलो फटाफट चलो, चलिए। एंड गाइज हाँ, फिर भाई जब हम जा ही रहे थे तो हमने सोचा सबको इनवाइट कराया ना, तो मैं जतिन भैया को भी कॉल करने वाला था, लेकिन फिर ध्यान आया यार वो 3-4 दिन से नहीं सोए हैं रात को, मतलब वो बिल्कुल सो ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि देखो काम बहुत हो जाता है, इसलिए जतिन भैया को कॉल करने वाला था, फिर नहीं कर पाया। फिर बुआ जी से बात हो गई, तो बुआ जी ने बोला भाई जतिन तो नहीं जा पाएगा, वो वैसे ही बहुत मतलब थका हुआ है। लेकिन अतुल अनुभव को फ़ोन कर दिया था, तो वो भी रेडी हो चुके हैं, उनको लेते हुए चलेंगे इधर से। तो गई इस कैब में बैठ चुके हैं, और जब से दीदी की शादी हुई है ना, इसको आगे बैठने की आदत लगी, अब हमें किसी को आगे नहीं बैठने देती। मोक्ष ने बोला दीदी मुझे बैठने, तो नहीं बैठने दिया। मैंने बोला मुझे बैठने, तो बिल्कुल नहीं बैठने दिया, खुद बैठ कर जा रही है। तो गाइस भाई का भी स्टॉप आने वाला है, और बस वैसे तो फ़ोन कर दिया था मेन रोड पे आने के लिए, आ गए होंगे, तो देख रहे हैं जैसी गाड़ी रुकेगी उन्हीं के पास रुकवाएंगे। दिखाई तो नहीं दे रहे भाई यहाँ से भी, हैं आगे रोड पे। चल भाई ये तो अच्छा काम किया इन्होंने, पहले ही आ गए। ओ क्या बात है, हेलो गाइस, खोल लो भैया, वेलकम वेलकम, आओ बैठो 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 बैठो। बीचे कौन सा परफ्यूम लगाया, बड़ा महक रहा है। अतुल परफ्यूम, क्या बात है। बैठो बैठ, हम तीनों दो जने पीछे बैठ जाओ, चल भी बैठ पीछे। अबे वो आराम से बैठ गए, सही क्या ड्राइवर भैया ने ऊपर चढ़ा दी होगी गाड़ी, ऊपर हाईवे पे नहीं, ऐसे कैसे चढ़ा देते, बोल दिया था। हाँ थोड़ा सा देर लग गई, देर थोड़ा सा तैयार होने में देर लगा दी। अरे फोन करने के बाद कह रहा हूँ मैं, अभी फोन करा था तो आ गए थे ना। कैसे लग रहा हूँ मैं पहले ही बताओ, स्वेटर कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। वो तो भी अच्छी लग रही है भाई, कहाँ है मेरा भाई, हाईनेक आते ही लग गया फोन पे भाई। हाँ हाईनेक बोलते हैं, हाँ हाईनेक तो बोलते हैं इसे, इसको स्वेटर वाला हाईनेक बोलते हैं, तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वीआईपी लोग होते हैं, वो इस टाइप का स्वेटर है। भाई वीआईपी से कम है क्या भाई, ये क्या हो रहा है, कहाँ बुलेट को धक्का मार रही है स्प्लेंडर। ओके हाँ तो सही है ना, उल्टा बोल दिया हमने, नहीं स्प्लेंडर, हाँ इसने उल्टा बोल दिया, बुलेट को धक्का लगा रही, बुलेट को धक्का लगा रही है स्प्लेंडर, सही बोला है बाबू, इसने बोला बुलेट को धक्का लगा रही है स्प्लेंडर। अच्छा हाँ ठीक है, सही बोला है, सही बोला, समझ लिए भाई भाई। तो गाइज अब अंदर एंटर करते हैं, और इधर आपको पता है यहाँ पे वेलकम के लिए होता है, मतलब आज तो वैसे पार्टी है, वैसे बारात के लिए वेलकम के लिए होता है।
एंड हमारे हेलो गाइस, बस बढ़िया चलते हैं, अभी अंदर चलते हैं। और इधर डेकोरेशन तो आपने पहले भी देखी हुई थी, है ना, आज भी वही मतलब डेकोरेशन सेम ही है। इधर वही फ़ोटोशूट वगैरह और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो बस हम भी चलते हैं अब अंदर और फिर कुछ खाएंगे पियेंगे। तो गाइस पहले यहाँ से जूसेस वगैरह या स्नैक्स वगैरह लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ खाएंगे। और दीदी की शादी में तो हम देख नहीं पाए थे क्या क्या आइटम है ना, पर आज देख लेते हैं। ऐसे अच्छी खासी भीड़ हो रही है ना अतुल? तो इधर आपके शेक्स मॉकटेल्स वगैरह हैं, और मतलब सेम ही जो हमारा वाला था वही सेम डायमंड वाला वो है ये भी। इधर आपका क्या है, फ्रूट्स एरिया आ जाता है। इधर फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स भी मतलब ठीक हैं। ये आपका तरबूज हो गया, पपीता, अनानास, अमरूद नहीं, गुआव जो भी है, पियर, हाँ तो ये पियर है। और हाँ वो तो अलग चीज़ है, और अमरूद ये है। ये क्या चीज़ है भाई? ये तो मुझे भी नहीं पता क्या चीज़ है भैया, इसका नाम नहीं लिखा, कोई है भी नहीं, पूछ लेता। ये ऑरेंज, ये संतरा, और इसकी कुछ कुछ सजावट कर रखी है। इधर आपका ड्रैगन फ्रूट और ये कीवी हो गई, ठीक है, मतलब अच्छा है काफ़ी। इधर से आपका शुरू हो जाता है ये कॉफ़ी, इधर कॉफ़ी है। और इधर क्या है, क्या चीज़ है भैया? सूप्स, ओके। और ये आप मतलब इसमें डालने के लिए, मिक्स करने के लिए। इधर आपका गोलगप्पा और भल्ला पापड़ी, यहाँ पे भल्ला पापड़ी है। एंड इधर पाव भाजी और ये कुछ दाल छोले वगैरह, पाव, हाँ ये है पाव भाजी। उधर कुछ और था, ये आपका चीला हो गया, और ये आपका मटर पतीला, ओके, पतीले वाली मटर। इधर आपका साउथ इंडियन डोसा, इधर डोसा भी है। और इधर आपका पिज़्ज़ा, इधर पिज़्ज़ा कॉर्नर है। तो ठीक है अभी पहले शूट कर लेते हैं, बाद में ही कुछ खाएंगे, ठीक है अतुल? अब वहाँ पे चलते हैं मेन फूड एरिया पे, क्योंकि मेन फूड एरिया भी मतलब उधर तो गए ही नहीं थे हम, तो सेंटर टेबल पे खाया था ना। अच्छा इधर आइसक्रीम हमारे में थी, ये थी भाई, मुझे तो इसकी पता ही नहीं, हमारे में थी भी ये सही यार, ये तो फर्स्ट टाइम मतलब मैंने देखा है, अच्छी बात है। चलो ये शुक्र है हमारे, हाँ मिक्स करके जो करते हैं, हाँ थी जब मैं आया था मिक्स कर रहे थे यार, मतलब मैंने कुछ भी नहीं देखा दीदी की शादी में, इतना बिजी था मैं। इधर आपकी यहाँ प्लेट्स और वो सब, यहाँ नॉर्मल स्वीटनेस, गुलकंद हलवा, और ये आपका गुलाब खीर, इधर आपकी रसमलाई, और ये क्या चीज़ है कुछ लिख भी नहीं रखा, कुछ खीर टाइप का, ये स्वीटनेस में ही है। इधर आपकी केसरिया जलेबी विद रबड़ी, अरे ये रबड़ी है भाई, नहीं कि ये केसरिया जलेबी और ये रबड़ी, हाँ ये रबड़ी होगी। ये केसरी मूंग दाल हलवा, ये आपका स्टफ्ड जामुन यानी गुलाब जामुन टाइप की, और इधर आपकी हैदराबादी बिरयानी, ओके, सरसों का साग की लाइट नहीं जल रही पर सरसों का साग है गरम गरम। इधर आपका पालक कॉर्न, कढ़ाई पकौड़ी, स्टीम्ड राइस, स्टीम मतलब उबले हुए राइस जो होते हैं स्टीम करके, अमृतसरी छोले, और इधर आपका बूंदी रायता। इधर आपका आ जाता है दही गुजिया, दही गुजिया, मिक्स वेज रायता, ये मिक्स वेज रायता है, मिक्स वेज रायता बहुत टेस्टी लगता है, ये मैंने खाया था सेंटर टेबल पे ना। इधर प्लेट्स रखी हैं, और इधर आपका ये सैलेड हो गया, सैलेड में कचरी वगैरह भी है, और हाँ मतलब ये सारा सैलेड ही है, सैलेड सैलेड भी अच्छा खासा है। और मटर मेथी मलाई, ठीक है, इधर अंजीर भरे कोफ्ते, ये तो सही बताओ पहली बार सुना अंजीर भरे कोफ्ते। आर्ट ऑफ चाप मसाला, चाप मसाला। इधर आपका शाही पनीर, बस नाम चेंज कर दिया, लगन सब मतलब मिक्स वेज है एक तरीके से, नाम चेंज है खाली, नाम चेंज है। इधर आपका पनीर खड़ा मसाला, इधर आपका दाल है सीने मतलब रोल दाल मसाला, नवरत्न पुलाव। और अब मैं शूट करता हूँ, इधर आ जाते हैं आपका हक्का नूडल्स एंड मंचूरियन, और इधर स्टीर फ्राइड राइस, और ये क्या है वोक टोस्ट बेबी वेजिटेबल, भाई ये पता नहीं क्या चीज़ है पर जो भी है बहुत टेस्टी सा लग रहा है, खाया नहीं। और इधर आ जाता है आपका दाल तड़का,
एंड इधर ब्रेड रोटी वगैरह जो होती है वो, और इधर है आपका क्या नाम है पास्ता, एंड ये वाइट सॉस पास्ता, ये रेड सॉस पास्ता है, तो ये सब आपको इसमें मतलब इंक्लूड है। और इधर आपकी ये तो मेन स्टेज आपने देखी है व्लॉग में, तो इधर मेन स्टेज आ जाती है आपकी, उधर आपका डीजे है, तो यही सब था। तो गाइज़ वैसे तो नीचे खाया ये लोग, लेकिन फिर सर बोले कि आप ऊपर बैठो, मैं ऊपर आपको स्पेशल खिलवाता हूँ, क्योंकि हमने स्पेशल बुकिंग करी थी ना, और 12 नवंबर को देव उठान हमारा पहला दिन था, तो देव उठान वालों के लिए स्पेशल वो है। बाकी नीचे पार्टी चल रही है, नीचे लोग खाना पीना कर रहे हैं, उधर अपना अलग मतलब सब इंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोगों को स्पेशल जो हम आए हैं ना उनके लिए चल रहा है। वैसे तो यार तुम नीचे खाना भी खाए थे, अब ये सब खा रहे हो, चलो बैठो तो लेना। अरे बैठ यार, अपने घर समझो, बैठो बैठो, अब है तो अपना ही घर, तू भी लेना। और देख लो 4 शेक्स पी लिए, ये 2 बचा दिए, चलो कोई नहीं, इन 2 को हम ख़त्म करवा देंगे। कैसा है तेरी शादी में, इससे भी और ग्रैंड था थोड़ा सा, मतलब 2-4 राइट, क्योंकि हमारा डायमंड वाला था, आज जो चल रहा है वो गोल्ड पे चला रखा है इन्होंने, गोल्ड मेन्यू जो होता है। तो इधर विकास भैया लग गए हैं टिक्की खाने के लिए। भाई टिक्की है, अच्छा दही बल्ले है, नहीं दूर से ऐसे ही लगाना इसमें कि जिससे जैसे मतलब कि टिक्की हो। और इधर ये है टिक्की, बेबो और मोक्ष खा रहे हैं टिक्की। और इधर देखो एक चम्मच से खाया नहीं जा रहा, 2-2 चम्मच से खा रहे हैं भाई, एक ही चम्मच से खा लो। तो गाइस आपको स्नैक्स में लेकर आ गए हैं, स्नैक्स में दही के शोले और आपका टिक्की वगैरह, मतलब का क्या क्या चीज़ें हैं यार, मलाई चाप, पनीर टिक्का, ये कुछ अलग पनीर के टिक्के हैं 2-3 वैरायटी के, एंड ये भी कुछ अलग अलग है, और इधर भी पनीर का टिक्का है। ये क्या चीज़ है ये दीदी, वो नहीं है क्या बोलते हैं इसको, दही के छोले नहीं है, कुछ और है, कुछ पनीर पकौड़ा है। ओके कैसे लग रहे पेपर, टेस्ट करके बता, बताओ कैसे लग रहे। पाव भाजी कैसी है, बढ़िया, अच्छा दीदी की शादी में और टेस्टी थी। ओके तो भैया यहाँ पर खाने बैठ गए पाव भाजी। तो गाइज अब चीला आ गया है, चीला खाते हैं। कैसा है चीला वगैरह सब, कैसा है, टेस्ट कर रहा हूं। अच्छा है ना, कैसा है बेबो। तो ये डोसा इन्होंने बचा दिया था, मैंने कहा वेस्ट नहीं करना, कुछ भी खाना ना वेस्ट नहीं होना चाहिए भाई, तो डोसा मैं खा लेता हूँ। तो गाइज अब ना मोमोज आ चुके हैं, और ये पता नहीं क्या समझ भाई, ये मूली है, मूली का डिज़ाइन बना रखा है, मूली की शेप बना रखी है ऐसे, और ये नहीं यार खाने का ही कुछ है, खाने के लिए है। और ये खीरा है, तो इसको खाओगे खीरे को ऐसे, नहीं खाओगे तो नहीं, ये सजा आए, ओए चम्मच से खा ले, ज़्यादा अंग्रेज मत बने, सॉरी हाथ से खा ले मोमोज। हाँ भे फ्री वाली, अच्छा इसमें रख के खाओगे, वो मंगवा तो छोटी प्लेट मंगाओ, ऐसे खाना चाहिए वैसे करके। हाँ तो ऐसे ही खाते हैं, बन रहा ज़्यादा अंग्रेज। चलो मोमोज टेस्ट करते हैं, मोमोज कैसे हैं, कैसे हैं, अच्छे नहीं है, मज़ा नहीं आया, दूसरा ले पनीर वाला मोमोज ले, पनीर ही है, पनीर वाला है सारे, तो पनीर ही है, वेज वाले ले सारे पनीर है। ओके तो मैं बोलता हूँ भाई मोमोज अच्छे नहीं है भैया, मोमोज कम टेस्टी हैं, अब कुछ वैसा ले आना मोमोज वगैरह रहने दो। तो भाई इधर मंचूरियन भी आ चुके हैं, और देखो बेबो तो खाने भी लग गई है, इतनी ज़्यादा भूख लग रही है, और भैया पता नहीं है क्या खा रहे हो ये। नहीं इसमें दही का है, तो भाई इसे बोलते हैं दही के शोले, कैसा है भाई, तो गाइज अब चिली पटेटो और थोड़े थोड़े स्वीट्स मंगा ले, ज़्यादा नहीं मंगाया यार, क्योंकि काफ़ी सारा खाना वेस्ट हो गया, मोमोज काफ़ी वेस्ट हुए, और आइसक्रीम मंगाई थी, और एक दीदी फ़ोटो क्या खिंचाने चलेगी, सब इधर फोटो शूट कर रहे हैं, नीचे ना काफ़ी मतलब लोग हो रखे हैं पार्टी के ना, तो हम इधर ऊपर बैठ के आराम से अपना फ़ोटो शूट वगैरह कर रहे हैं। इधर देखो इधर काफ़ी मतलब जो लोग इन्वाइट करे थे सब आ रखे हैं, और ऐसे तैयार होकर आए हैं जैसे शादी हो, अरे नॉर्मली उन्होंने पार्टी रखी तो उसी हिसाब, वैसे हम भी ऐसे ही तैयार होकर आए हैं जैसे वो हो शादी वगैरह हो, पर ठीक है। अरे गिर जाती मोक्ष, ऐसे धक्का नहीं दे, थोड़ा हाँ क्लोज बस। तो गाइज अब खाना पीना हो चुका है, पर हमने आइसक्रीम और मंगवा ली है,
और देखो रबड़ी जलेबी टेस्टी है ना भाई, रबड़ी जलेबी वाकई में बहुत टेस्टी है, तो रबड़ी जलेबी और मंगवाइए। आइसक्रीम कैसी ब्रो? टेस्टी। कैसे लोग हैं यार, खाने नहीं आए, फ़ोटो खिंचवाने आए, बताओ। पर पहले खाओ पियो ऐसे करो मित्रों, बाद च फोटो खिंचायो। नहीं नहीं नहीं, पहले फोटो। ते यार पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा यार। नहीं यार मैं खुद खाना नहीं, हाँ मतलब खाना तुम लोगों ने खा लिया, मैंने नहीं खाया, पर मेरा मन भी नहीं कर रहा। थैंक यू भैया स्पून के लिए, ले ले भैया स्पून ले ले। तो गाइस आप स्वीट्स में ना रबड़ी जलेबी बहुत ज़्यादा टेस्टी। नहीं थैंक यू, आप भी कुछ ले लो अब, है ना, थैंक यू। तो अब रबड़ी जलेबी और पिज़्ज़ा बेबो कह रही थी, तो पिज़्ज़ा की फरमाइश पे पिज़्ज़ा और दीदी की फरमाइश पे रबड़ी जलेबी। भाई आइसक्रीम मैंने नहीं खाई यार। भैया एक चॉकलेट आइसक्रीम और ले आना, दो ले आना, दो चॉकलेट दे। हाँ तो दो मंगाइए ना, कोई नहीं चॉकलेट, कोई नहीं और मंग, नीचे चल के खा ले खाना। तो क्या किसको घर ले जा सकते हैं? ओरिगैनो को, ओरिगैनो का क्या करेगी घर पे, पिज़्ज़ा तो यहाँ पे है। भाई फोन बाद में चला लियो, ले ले। हाँ पिज़्ज़ा नहीं दिख रहा वो डब, वो ओरिगैनो का डब्बा जो है पसंद अपनी अपनी, पता उसकी पैकिंग अच्छी लग रही है ओरिगैनो की, इसलिए नहीं भाई पैकिंग अच्छी लग रही है ओरिगैनो की। क्या बेबो क्या कह रहा है तेरा भाई, कह रहा है हाँ मतलब हमारा तो एरो ओरिगैनो का नाम लगा रहा चुराने का। हाँ काम करने वाला अपना काम नहीं करता। अच्छा ज़्यादा नहीं बोल गया तू, कान पे खा लेगा हाँ, और बाद में चुपचाप ओरिगैनो को जेब में रख लेगा। कैसा है पिज़्ज़ा, कैसा है, सही है? और रबड़ी जलेबी कर दिया भाई फोकस, रख लिए जेब में, दिखाइए जेब, दिखाइए अंदर वाली। नहीं भाई रुक जा जेब में देखो तेरी, दिखा बे चोर, बेबो को चोर चोर कर रहा है, खुद ने ओरिगैनो छुपा रखे हैं। चलो अभी का नाम है आज से ओरिगैनो चोर, ओरिगैनो चोर, हाँ चोट्टे ओरिगैनो चोट्टे, बढ़िया है भाई। जब मैं खाऊं एक मिनट, थैंक यू। तो गाइस खाना पीना भी हो चुका है, एंड एट द लास्ट सब कॉफी पियेंगे, तो कॉफी के लिए बोल दिया, वो अभी कॉफी लेके आ रहे हैं। इधर देखो साले बॉक्स कहाँ गया, बेवा चुप गई, और वो इधर। तो गाइस कॉफी आ चुकी है, एंड अब सब कॉफी पियेंगे, कॉफ़ी ले ले। इधर फोटोशूट भी चल रहा है भाई, इनका फोटोशूट नहीं ख़त्म होगा। बेबो कॉफ़ी, कॉफ़ी ले ले रही। तो गाइस खाना पीना हो चुका है, और अब एक छोटी सी वीडियो शूट करके चलते हैं घर, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया। प्लीज़ अरबी ऑरेंज गाइस, इधर देखो, जी हेलो हेलो, कहाँ गिर गई, चलो चलते हैं अब। भाई है, भाई है, लेकिन फुल तबाही है। बोल जय बाबा की। कैब आ चुकी है अपनी, बैठो। अरे पहले तो चलते हैं अगर, हाँ हाँ बैठो, आप लोग बैठो ना, बैठो दीदी। हाँ भाई ये वहां से भी आगे बैठ के आई थी, बिल्कुल बैठने ही नहीं दिया था हमें आगे, अब भी बैठने दे इसको आगे। अब ये है ना साड़ी वगैरह पहनते, तो चलो बैठो मोक्ष और अतुल तुम पीछे जाओ। ओके गाइस चलते हैं, बाय बाय नाइन स्टार होटल, बाय बाय वाइट रोज बैंकेट, टाटा, फिर आएंगे किसी पार्टी में, ऐसी पार्टी देते रहना, ऐसे ही बुलाते रहना हमें, बाय बाय। ओके गाइस चलते हैं अब घर। ओके अतुल बाय बाय, अच्छा बाय 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 बाय। तो गाइस आ चुके हैं अपने स्टॉप पर हम भी, और अब चलते हैं घर। तो गाइस अपने घर आ चुके हैं, और इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो,
व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे कल एक नए व्लॉग साथ। बाय बाय।